हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बट वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको अपना क्रेडेंशियल बताना चाहता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि आज की डेट में कोई भी उठ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कॉन्टेंट बना रहा है। सो आई एम अ टीचर। मैं पिछले 5 सालों से AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के ऊपर कॉन्टेंट बना रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यू वुड फाइंड मोर देन 1000 वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स। सो आई कैन प्राउडली से कि मुझे थोड़ा आइडिया है इन टॉपिक्स के बारे में। Now, coming back to the topic, let's talk about AI. So, AI पिछले 6 महीनों में बहुत पॉपुलर हो गया, राइट? और लाइक घर घर में अब AI को लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। ChatGPT इज अ वेरी पॉपुलर टर्म, इनफैक्ट इतना पॉपुलर कि मे बी आपके पेरेंट्स भी उसके बारे में जानते होंगे। बट ऐसा नहीं है कि AI इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। ऑनेस्टली जो भी लोग AI में काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछो तो दे विल टेल यू कि AI के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो पिछले 70 सालों से चल रहा है। बट मेजर डेवलपमेंट जो हुआ है वो पिछले 6-7 महीनों में है। अब मजे की बात यह है कि जब हम AI की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में एक पॉजिटिविटी रहती है और एक ऑप्टिमिज्म रहता है कि जब AI हमारी लाइफ में घुसेगा तो बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगा हमारी लाइफ को और बहुत इंप्रूवमेंट्स लाएगा हमारी लाइफ में। बट एट द सेम टाइम आप मैं हम सब अग्री करेंगे कि हम थोड़ा सा डरते भी हैं कि क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि कल को AI इतना एडवांस हो जाए कि वो हमारी ही जॉब छीन ले और हमें ही अनएम्प्लॉयड बना दे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, बिकॉज आपका, मेरा, हम सबका फ्यूचर इस क्वेश्चन पे टिका हुआ है। तो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। आई होप यू आर एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए आंसर बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि सच में AI हमारी जॉब छीन सकता है या नहीं। दूसरे पार्ट में मैं अपने आंसर को डिफेंड करूंगा और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। सो चलो, लेट मी क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्या मुझे लगता है AI हमारी जॉब छीन सकता है या फिर नहीं? मेरा आंसर होगा येस ब्रैकेट बट। अब आप बोलोगे ये क्या आंसर हुआ, येस ब्रैकेट बट का क्या मतलब है? तो समझाता हूं मैं। Yes का मतलब है हाँ, मुझे लगता है कि AI के अंदर पोटेंशियल है कि वो हमारे जॉब्स छीन सकता है। बट का ये मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के होने के बावजूद मास अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ जाएंगे, इनफैक्ट हमारी सैलरीज भी बढ़ जाएंगी। अब आई नो आप थोड़े कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जॉब्स छीनने वाली हैं और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ जाएंगी, सैलरीज भी बढ़ जाएंगी। तो मैं इस पूरे आर्गुमेंट को जस्टिफाई करूंगा। पहले लेट्स फोकस ऑन द येस वाला पार्ट कि क्यों मुझे लगता है कि AI हमारी जॉब्स छीन सकता है। सो जितना मैंने इन टूल्स को यूज किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है AI के डोमेन में, मुझे दिखता है देयर इज अ सीरियस पोटेंशियल कि AI कुछ काम हमसे बेटर कर सकता है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन की तरह सोचो जो एक कंपनी ओन करता है और उसे अगर एक काम कराने के लिए लेट्स से किसी को 10,000 रुपए देने होते हैं महीने के, अब कल को अगर उसे पता चले कि वो सेम काम वो एक AI के थ्रू बहुत आसानी से 100 रुपए पर मंथ में करा सकता है, तो आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? हम सभी को पता है बिजनेसेस का नॉर्थ स्टार होता है प्रॉफिट। तो कोई भी समझदार बिजनेसमैन उस इंसान को हटा करके मोस्ट लाइकली उस AI को इम्प्लीमेंट कर लेगा और ऐसा होने से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी जॉब चली जाएगी। और ये सिचुएशन मुझे लगता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग लेवल पे आने वाला है। सो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जहां पर बहुत ज्यादा लेवल पे जॉब्स कम हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी रहेंगी जो प्रोटेक्टेड रहेंगी और AI का इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक ऐसी इंडस्ट्री का जहां पे मुझे लगता है कि काफी नंबर ऑफ जॉब्स छीने जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर। सो कॉल सेंटर एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर मोस्टली ह्यूमंस काम करते हैं, लोग कॉल करते हैं और फिर जो इंप्लॉयज होते हैं वो उनको कॉल पे सपोर्ट देते हैं, मोस्टली एक डॉक्यूमेंट पे चीज़ों को पढ़ करके अकॉर्डिंगली दे गिव आंसर्स। अब आज का जो करंट स्टेट ऑफ AI है, आई फील कि वी आर ऑलरेडी देयर कि इस काम को AI बहुत अच्छे से कर सकता है। सो देयर इज अ गुड चांस कि कल को जहाँ पे 100 लोग एक कॉल सेंटर चला रहे थे वो सिर्फ 20 या 25 लोग चला पाए, ठीक है। एक ऐसा इंडस्ट्री का एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको जहां पे मुझे लगता है कि मॉडरेट इम्पैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, वो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो करंट स्टेट ऑफ AI है, मे बी उस लेवल पे नहीं है बट हर दिन इम्प्रूव कर रहा है।
तो देर इज अ गुड चांस कि कल को अगर एक वेबसाइट को बनाने के लिए 100 लोगों की टीम चाहिए पड़ती थी, तो कल 50 लोग भी मिलकर के वो टीम वेबसाइट बना के आपको दे दे। ठीक है, फिर एक इंडस्ट्री का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जहां पर मुझे लगता है कि मे बी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एआई का, इट कुड बी स्कूल टीचर्स। सो एआई कितना भी एडवांस हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स कंफर्टेबल होंगे कि उनके बच्चे रोबोट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो मुझे लगता है उस इंडस्ट्री में लोग थोड़े ज़्यादा सेफ हैं। सो बेसिकली मेरी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री इस पूरे के पूरे लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगी, या तो बहुत हाई रिस्क पे या फिर लो रिस्क पे, बट येस जॉब्स कम होने वाली हैं। बट द गुड पार्ट इज कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये पास्ट में भी हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब भी आया है ह्यूमैनिटी में, हमेशा जॉब्स में कुछ ना कुछ छटनी हुई है। अगर आप बहुत पुराने टाइम्स की बात करो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले लिटरली मजदूर लोग मिल करके बड़े बड़े पत्थर उठा करके कंस्ट्रक्शन करते थे। पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रेन्स आ गए, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई, वो 10 लोगों का काम अब एक बंदा एक क्रेन के साथ कर पाता है। अगर आप और थोड़ा पीछे जाओ तो पहले कैलीग्राफी एक्सपर्ट्स होते थे, जिनका काम होता था बहुत खूबसूरत से लिख करके राइटिंग में चीज़ें प्रोवाइड करना। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद उन लोगों की जॉब्स चली गई। बहुत पहले मैथमेटिशियंस होते थे जो कैलकुलेटर्स का काम करते थे, दिमाग में बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते थे, कैलकुलेटर के आने के बाद वो लोग का जॉब चला गया। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये हो रहा है, और दिस इज नॉट द लास्ट टाइम जब ये होगा। ठीक है, दिस विल हैपन। सो दैट इज वाई मुझे लगता है कि एआई विल टेक सम जॉब्स। सो गाइज, अब फोकस करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर पे, जहां पे मैंने आपको ये बोला था कि मुझे लगता है कि नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ेंगे, सैलरीज भी बढ़ेंगी। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं दो चीजों का सहारा लूंगा, पहला डेटा का, दूसरा इकोनॉमिक्स का। पहले डेटा पे फोकस करते हैं। अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करोगे ना, तो आपको ऐसे ग्राफ्स, ऐसे पेपर्स मिलेंगे जो ये जस्टिफाई करते हैं कि पिछले 100 सालों में कितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आने के बावजूद नंबर ऑफ जॉब्स साल दर साल बढ़ते गए। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो यू वुड सी कि 1939 से अभी तक कॉन्स्टेंटली देर हैज बिन अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जॉब्स इन द यूएस, राइट? और बीच में आपको छोटे मोटे डिक्लाइंस दिखेंगे, बट वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से नहीं है, वो रिसेशन की वजह से। ठीक है, तो डेटा देख करके तो क्लियरली कोई भी बता सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जॉब्स नहीं घटा रहे। अब अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ, तो हम लॉजिक और इकोनॉमिक्स को मिला करके सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेट मी टेक एग्जाम्पल। सो व्हाट आई विल डू इज, आगे के पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रिसर्च पेपर को यूज करूंगा। ये रिसर्च पेपर डेलॉइट का रिसर्च पेपर है, जहां पर इन लोगों ने ये स्टडी करके बताया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का क्या रिलेशनशिप है एम्प्लॉयमेंट के साथ। और इन लोगों ने चार बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, और इन चारों पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सो अगर आप पहले पॉइंट की बात करो, तो इन्होंने पहले पॉइंट में बोला है कि टेक्नोलॉजी लेबर को रिप्लेस कर सकता है। अगर टेक्नोलॉजी लेबर को रिप्लेस करता है, तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, कम पैसों में आप सामान बना के बेच पाते हो। इससे क्या फायदा होता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ने से क्या होता है कि आपके पास स्कोप रहता है कि आप उस सेम सामान को थोड़े कम कॉस्ट पे बेचो। अगर आप उस सामान को थोड़े कम कॉस्ट पे बेच पाओगे, तो मार्केट बढ़ती है, जस्ट लाइक स्मार्टफोन्स। वहां पर कॉन्स्टेंटली साल दर साल प्रोडक्शन कॉस्ट घटा, और आज के डेट में आप देखो कि हर कोई इज अ स्मार्टफोन यूजर, राइट? तो बेसिकली ऑन द होल सेक्टर ग्रो करता है। अब सेक्टर ग्रो किया, बहुत सारे लोग उस सेक्टर में एज कस्टमर्स घुसे, तो उस सेक्टर को चलाने के लिए और नंबर ऑफ कंपनीज चाहिए होती हैं, और नंबर ऑफ कंपनीज को फिर पलट करके एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को एक एग्जांपल से जस्टिफाई करूं, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि पहले चार मजदूर मिल करके कंस्ट्रक्शन करते थे, पत्थर उठाते थे, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, क्रेन आई, और फिर सभी को हटा दिया गया, सिर्फ एक एम्प्लॉय रह गया जो क्रेन चलाता था। अब खुद सोचो, अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस आप ओन करते हो, और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता, तो आप भी उन मजदूरों को निकाल देते, और आपके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय और एक क्रेन बचता। बट इससे फायदा क्या होता आपको, कि आप सेम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कम कॉस्ट में, कम टाइम में डिलीवर कर पाते। इससे क्या होता, आप अपने क्लाइंट से कम पैसे लेकर के भी काम कर पाते। अगर आप क्लाइंट से कम पैसे लेते, तो फिर और ज्यादा क्लाइंट्स आते अपना घर बनाने के लिए। सो ऑन द होल रियल एस्टेट वाला जो पूरा का पूरा सेक्टर है, वो ग्रो करता। अब ये सेक्टर अगर ग्रो करता, कस्टमर्स बढ़ते, तो और कंपनीज घुसती उन कस्टमर्स को, सर्व करने के लिए। अब उन और कंपनीज को भी एक एक एम्प्लॉय चाहिए होता जो क्रेन चला पाए। तो वही जो मजदूर पहले निकाले गए थे, वो लोग अब क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा खुद को अपस्किल कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्रेन कैसे चलाया जाता है,
और वो वापस इस सेक्टर में आकर के थोड़े इंक्रीज सैलरी पे क्रेन चला करके अपना काम कर सकते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, इसको जॉब रीशफलिंग बोला जाता है और ये थ्रू आउट द हिस्ट्री होता आया है। पॉइंट नंबर टू पे मूव करते हैं। पॉइंट नंबर टू कहता है कि वो कंपनीज और वो सेक्टर्स जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं वो भी तेजी से ग्रो करेंगे और फिर वहां पे भी लेबर की जरूरत होगी। जैसे हमारा जो एग्जांपल है, अगर रियल एस्टेट का सेक्टर बहुत चमक गया और हर बिल्डर क्रेन यूज करने लग गया तो ऑब्वियसली क्रेन बनाने वाली कंपनी भी तो ग्रो करेगी, और अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो वहां पे भी तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। सो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस एग्जाम्पल को लो तो अगर हर कंपनी एआई यूज करने लग जाए तो एआई टूल्स बनाने वाली जो कंपनीज है जैसे कि ओपन एआई या फिर डीप ब्रेन, तो इनका भी डिमांड बहुत बढ़ेगा और फिर इनको खूब सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। आपको क्या लगता है गूगल फेसबुक इतनी बड़ी कंपनीज क्यों बन पाई? बिकॉज पिछले 20 सालों में हर सेक्टर ने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया, तो ऑब्वियसली जो मेन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं वो तो बड़ी कंपनीज बनी जाएंगे और वहाँ पर खूब सारे लोगों की ज़रूरत होगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर थ्री कहता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर टेक्नोलॉजी सीधे सीधे लेबर को रिप्लेस नहीं कर सकता बट लेबर को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, और लेबर को कॉम्प्लीमेंट करके प्रोडक्शन का जो आउटकम है वो बढ़ा सकता है और इन शॉर्ट प्रॉफिट बढ़ जाएगा और फिर से सेक्टर ग्रो कर सकता है। मतलब फिर से अगर वो क्रेन वाला एग्जाम्पल ले तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मूवी मेकिंग का। सो मूवी मेकिंग में एक कैमरामैन होता है जो पूरे के पूरे फिल्म को शूट करता है। अब सडनली से एक कैमरामैन ने रियलाइज किया कि क्रेन्स बोल के एक नया टेक्नोलॉजी आया है, व्हाट इफ मैं क्रेन को कैमरामैन की तरह यूज करूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक ब्रिलियंट शॉट्स। मैं नीचे से भी शॉट्स ले सकता हूँ, मैं ऊपर से भी शॉट्स ले सकता हूँ, मैं मूविंग शॉट्स ले सकता हूँ। और सडनली से क्या हुआ कि मूवी मेकिंग का क्वालिटी इंप्रूव कर गया, मूवी मेकिंग का क्वालिटी इंप्रूव किया तो फिर और लोगों ने मूवी देखना पसंद किया, और लोगों ने मूवी देखना पसंद किया तो फिर और लोग मूवीज बनाने लग गए, और ऑन द होल मूवीज का जो सेक्टर है वो ग्रो कर गया। और साथ ही साथ ऐसे कैमरामैन जिनको क्रेन्स ऑपरेट करना आता है उनका जॉब भी बढ़ने लग गया और उनकी सैलरीज भी बढ़ने लग गई। अगर आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे आप सीधे सीधे टेक्नोलॉजी से लेबर को रिप्लेस नहीं कर सकते, लाइक मेडिसिन और फिनेंस। यहाँ पर डोमेन नॉलेज बहुत मैटर करता है, बट यहाँ पर अगर किसी प्रोफेशनल ने अपने डोमेन नॉलेज के साथ साथ मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी सीख लिया, एआई को भी सीख लिया, तो क्या हो सकता है कि आपका जो आउटकम है वो 10-फोल्ड इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि लेट्स से एक मेडिकल प्रोफेशनल है जिसका काम है दवाइयाँ खोजना, ड्रग डिस्कवरी, तो हो सकता है एआई टूल्स यूज करके वो कुछ ऐसा ड्रग इन्वेंट कर दे, डिस्कवर कर ले कि वो बहुत बड़े एक कोई बीमारी को सॉल्व कर पाए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो मेडिसिन मास में बनने लग जाएगा और मास में बिकने लग जाएगा, और फिर क्या होगा कि ऑन द होल जो आपका ये इंडस्ट्री है ये ग्रो करने लग जाएगा। ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो यू नीड मोर कंपनीज, मोर कंपनीज नीड मोर एम्प्लॉयज, और फिर ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत बढ़ने के साथ साथ सैलरीज भी बढ़ने लग जाएंगी। तो अगेन वन एग्जाम्पल जहां पर कुछ एक पॉजिटिव हो रहा है एआई के आने से। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर बोलता है कि जब टेक्नोलॉजी के आने से ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर हो रहा है, मतलब सामान थोड़े कम पैसे में बिक रहा है, तो फिर ऑब्वियसली कस्टमर के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बच जा रहा है जो वो कुछ अलग सेक्टर्स में लगा सकता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। अगर मैं आपको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दूं तो साल दर साल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से स्मार्टफोन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता जा रहा है। आज की डेट में आपको अगर एक स्मार्टफोन लेना है बहुत अच्छा तो आप 15,000 में एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन ले सकते हो। उस लेवल का स्मार्टफोन अगर आप 5 साल पहले लेते तो शायद आपको 30,000 रुपये खर्चने पड़ते, तो आज की डेट में आप एक्चुअली वो 15,000 रुपीज़ बचा रहे हो। अब फिर आप क्या करोगे उस 15,000 का? कुछ भी कर सकते हो। लेट्स से आपने सुना कि बहुत एआई में एडवांसमेंट हो रहा है, एआई में बहुत जॉब्स हैं, तो व्हाट इफ मैं एआई सीखता हूँ, और आपने क्या किया, आपने एक इंस्टीट्यूट में एक कोर्स कर लिया उन्हीं 15,000 रुपीज़ का जो आपने बचाए थे। ठीक है, बाकी लोगों ने भी आपकी तरह सेम काम किया, उन्होंने भी फ़ोन खरीदने में जो पैसे बचे उसको एआई सीखने में इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एआई पढ़ाने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, एडटेक स्टार्टअप्स, वो बहुत ग्रो करने लग गए। एआई ट्रेनर की जॉब एक कम्प्लीटली बन गई और बहुत सारे लोग एआई ट्रेनर बनने लग गए। सो यू कैन अगेन सी के कम्प्लीटली न्यू जॉब प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है आउट ऑफ नथिंग। सो बिल्कुल यही चीज़ हमेशा होती है जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हिट करता है और प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर होती है, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है, वो नए सेक्टर्स में उन पैसों को रीडायरेक्ट करते हैं और फिर नए सेक्टर्स ग्रो करने लग जाते हैं और उन नए सेक्टर्स में नए जॉब्स बनने लग जाते हैं।
सो नाउ दैट मैंने आपको सिस्टमेटिकली समझा दिया कि एआई थ्रेट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आई गेस आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश इन कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, एक काम करते हैं, वापस उसी क्रेन वाले एग्जांपल पे चलते हैं। तो मान लो फ्राइडे की शाम थी और वही चार मजदूर दिन भर का काम करके थके हारे वापस घर पे आए और फिर पार्टी का प्लान किया। पार्टी चल रही है, चारों बैठे हुए हैं। सडनली से एक मजदूर रोते हुए बोलता है, यार सुना है क्रेन्स आ गए हैं मार्केट में, ये बड़े बड़े पत्थर झट से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर रख देते हैं, अब तो हमारी जॉब गई। और बोल के वो बंदा रोने लग गया। सामने एक दूसरा बंदा बैठा हुआ था, वो बोलता है, अबे ये क्रेन वेन कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है, इग्नोर मार, चिल कर, लाइफ सही है। और वहीं पर एक तीसरा बंदा बैठा था, उसके मन में क्या थॉट आया, उसने सोचा कि यार देखो क्रेन्स तो मार्केट में आने वाले हैं एंड देर इज़ अ गुड चांस कि हमें रिप्लेस कर दिया जाए, बट वॉट इफ मैं थोड़ा पढ़ लिख करके ये सीख पाऊँ कि क्रेन्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, मैं थोड़ा फिजिक्स पढ़ लूँ जिससे मैं और बेटर तरीके से क्रेन चला पाऊँ, मैं थोड़ा सा ये पूरा साइट अच्छे से स्टडी कर लूँ कि कहाँ पे कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को भले ही निकाल दिया जाए मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। एंड दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। जब एआई का पूरा वेव हिट करेगा हमें, तो आपको एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट नहीं करना है। एक एक्सट्रीम है पैनिक कर जाना, जहाँ पे आपको लग रहा है मेरी तो जॉब गई, अब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है और आपने क्विट मार दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। सेकेंड एक्सट्रीम है इग्नोरेंस, जहाँ पे आप अपनी करेंट जॉब से इतने खुश और कॉन्फिडेंट हो और ओवर कॉन्फिडेंट हो कि यू आर लाइक एआई क्या होता है, सम चैट बॉट, आई डोंट केयर, वो भी खराब सिचुएशन है। सही जगह है बीच में, पैनिक इग्नोरेंस, बीच में आता है कॉशन, जहाँ पे आपको पता है कि रिस्क है बट अपॉर्चुनिटी भी है। सो अगर मैं सही तरीके से रिस्क को असेस करूं और मेहनत करूं तो आई कैन कैश इन दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, आपको दो स्टेप्स में ऑपरेट करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू असेस कि आप किस इंडस्ट्री में हो या किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो और वहां पे एआई कितना हिट करेगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अपस्किल करना है। लेट मी टेल यू, मेरे हिसाब से 5 साल बाद, 10 साल बाद कौन से प्रोफेशनल्स फोड़ के पैसा कमा रहे होंगे। मेरे हिसाब से एक ऐसा प्रोफेशनल जिसके पास तीन क्वालिटीज हो वो बहुत पैसा कमाएगा। कौन सी तीन क्वालिटीज, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, डोमेन नॉलेज। ठीक है, लेट्स से यू आर अ ग्राफिक्स डिजाइनर जो मूवीज के लिए काम करता है, तो मूवी मेकिंग का आपको पूरा आइडिया है, यू नो द एंटायर इंडस्ट्री इन एंड आउट। ठीक है, क्वालिटी नंबर टू, गुड सॉलिड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर डेटा साइंटिस्ट, मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर अ फाइनेंस प्रोफेशनल, इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर अ ग्राफिक्स डिजाइनर, ज्योमेट्री और जो भी बेसिक चीजें होती है आई डोंट नो उनका अंडरस्टैंडिंग। एंड क्वालिटी नंबर थ्री, यू नो हाउ टू यूज एआई इन योर डोमेन। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशंस आपके अंदर हैं, आप किसी भी डोमेन में हो, आई गारंटी यू आप फोड़ के रख दोगे। सो लेट मी समराइज, अ प्रोफेशनल हु विल अर्न अ लॉट इन द फ्यूचर इज समवन हु विल कैरी डोमेन नॉलेज, गुड कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प ऑन फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, एंड थ्री, गुड नॉलेज ऑफ एआई एंड एआई टूल्स जो आपकी इंडस्ट्री में आपको हेल्प करें आगे बढ़ने में। सो आई होप मैं इस पूरे क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर पाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई पुट अ लॉट ऑफ एआई रिलेटेड कॉन्टेंट ऑन माई चैनल। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में आप बता सकते हो कि आपका क्या ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।